नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दिष्टुर उपाध्याय। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता कानून को लेकर पिछले डेढ़ महीने से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिससे राहगीरों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन शनिवार की शाम इस इलाके में एक युवक ने गोली चला दी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस गोलीबारी में किसी को चोट नहीं आई है और पुलिस ने भी उस शख्स को वक्त रहते हिरासत में ले लिया। शाहीन बाग में फायरिंग करने वाले शख्स की पहचान कपिल गुज्जर के तौर पर हुई है, लेकिन अब सवाल ये है कि इस शख्स ने शाहीन बाग में फायरिंग क्यों की और इसका मकसद क्या था। साथ ही गोली चलाने वाले ये युवक कहां का है, क्या करता है, सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दरअसल शाहीनबाग में चल रहे धरने से करीब 150 मीटर दूर कपिल गुज्जर नाम के एक युवक ने अचानक से आकर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग की आवाज सुनकर शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों में खलबली मच गई। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। गोली चलाने वाला कपिल गुज्जर पूर्वी दिल्ली के दल्लूपुरा गांव का रहने वाला है। वो एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि कपिल गुज्जर के परिवार में किसी की शादी थी और शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन की वजह से उसे सामान खरीदने कहीं दूर से घूमकर जाना पड़ता था, इसलिए वो गुस्से में था। कपिल ने बताया कि उसके अपने ही देश में कुछ मुट्ठी भर लोगों ने शाहीन बाग की सड़क पर कब्जा किया हुआ है, वो सड़क पर जाम खुलवाने आया था। तो वही कपिल ने हिरासत के दौरान बताया कि वो भारत में शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन नहीं देखना चाहता। जानकारी के मुताबिक कपिल के पिता का नाम चौधरी गंजे सिंह बैंसला है, वो दूध की डेयरी चलाते हैं। परिवार में कपिल के अलावा बड़ा भाई और बहन है। कपिल की शादी हो चुकी है, एक बच्चा भी है। उसके पिता एक बार विधानसभा और एक बार MCD का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो कपिल ने पुलिस को बताया कि उसे गोली चलाने का ना तो कोई अफसोस है और ना ही पुलिस के पकड़े जाने का। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए अपने दोस्त से कट्टा लेकर वहां पहुंच गया था। इसके अलावा कपिल ने पुलिस को बताया कि वो पत्रकार बनना चाहता था, पत्रकारिता में दाखिला भी लिया, जैसे तैसे एक साल पत्रकारिता की पढ़ाई की। मन नहीं लगा तो गाँव में ही पिता और भाइयों के बिजनेस में शरीक हो गया। तो ये है शाहीन बाग में फायरिंग करने वाले कपिल गुज्जर के बारे में जानकारी, जो भी पुलिस की हिरासत में है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज़। शुक्रिया।